123 आसन जो बीजेपी को मिल पाए 102-125 आसन आय दल शून टीवी 9 पोल स्टार्ट एग्जिट पोल कौच कांग्रेस पाई पारे 106-116 आसन आउ बीजेपी को मिल पारे 111-121 आसन अन्य दल खाता खोली पारे नहीं पोल ऑफ पोल्स रिजल्ट अनुसार कांग्रेस को 111 आसन मिलने आकलन बीजेपी को 116 सीट एवं अन्य दल को 3 सीट मिलबार संभावना अछि। सेपरी छत्तीसगढ़ कथा आसवा छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल आकलन जाउछि कांग्रेस सपक्ष में देखल जिते गुड़े एग्जिट पोल जो संस्था आकलन करुछंती सब जाउछि कांग्रेस सपक्ष में। इंडिया टुडे एग्जिट पोल सर्वे रिपोर्ट कहुछि कांग्रेस को 40-50 आसन मिली पारे आउ भारतीय जनता पार्टी पाई पारे 36-46 आसन अन्य दल खाता को जाई पारे 1-5 आसन। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल रो सर्वे अनुसार कांग्रेस 57 आसन पाता बड़े भारतीय जनता पार्टी पाई पारे 33 सीट एवं अन्य दल खाता खोली पारे ना। इंडिया टीवी रो सर्वे कहुछि सर्वे रिपोर्ट अनुसार कांग्रेस 46-56 आसन पाई पारे भारतीय जनता पार्टी पाई पारे 30-40 आसन अन्य दल शून। से परी विप्लवी टीवी एग्जिट पोल सर्वे रिपोर्ट अनुसार कांग्रेस को 44-52 सीट मिलुवा बड़े भारतीय जनता पार्टी को 34-42 आसन मिल पारे अन्य दल शून रु 2 आसन से मिल पारे। पोल ऑफ पोल तथ्य अनुसार कांग्रेस 48 भारतीय जनता पार्टी 39 एवं अन्य दल पाई पारंती 3 आसन। ये होची छत्तीसगढ़ को लेकिन वर्तमान समय जो सर्वे रिपोर्ट सामना को आसी जब तेलंगाना पर नजर पकाई नेबा तेलंगाना एग्जिट पोल सर्वे रिपोर्ट जाउची किंतु देखंतु कांग्रेस सपक्ष रे आमे प्रथम नजर पकाई नेबा जन की बात रो एग्जिट पोल रिपोर्ट अनुसार कांग्रेस मेंट को मिली पारे 56 सीट। सेपरी बीआरएस को 48 एवं एआईएमआईएम खाता को जाई पारे 5 सीट जहां कहुची जन की बात। सेपरी आमे इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल रिपोर्ट जदि आमे अनुशीलन करबा तो तार रिपोर्ट कहुची कि कांग्रेस मेंट को मिली पारे 63-79 आसन बीआरएस को 31-47 आसन मिली पारे एवं एआईएमआईएम खाता को जाई पारे 4-7 सीट। टीवी 9 पोल स्टार्ट एग्जिट पोल रिपोर्ट कहुची कि कांग्रेस मेंट को मिली पारे 49-69 सीट बीआरएस को 31-47 एआईएमआईएम खाता को जाई पारे 4-7 सीट। सेपरी रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स एग्जिट पोल रिपोर्ट अनुसार कांग्रेस मेंट को मिली पारे 49-69 सीट बीआरएस को 48-58 आसन एवं एआईएमआईएम खाता को जाई पारे 6-8 सीट। पोल ऑफ पोल सर्वे रिपोर्ट अनुसार कांग्रेस मेंट को 60 आसन जाउथवा परे बीआरएस को जाई पारे 48 सीट एवं अन्य दल को 6 आसन जाई पारे। मिजोराम कथा आसुच्छे जो विभिन्न संस्था जो मिजोराम को लेकिन जो एग्जिट पोल आसुच्छे पूर्वानुमान मिजोराम एग्जिट पोल अनुसार एथर झूला सरकार देखा मिल पारे मिजोराम रे। जन की बात रो सर्वे कहुची कि एमएनएफ को 10-14 आसन मिल पारे कांग्रेस को 5-9 आसन मिल पारे एवं जेडपीएम को 15-25 आसन मिल पारे। सेपरी इंडिया टीवी सीएनएक्स रो सर्वे कहुची कि एमएनएफ को 14-18 आसन मिल पारे कांग्रेस को मिल पारे 5-9 आसन एवं जेडपीएम को 15-25 आसन मिल पारे। अन्य पटे देखिबा कि एबीपी सीबीओ जो सर्वे रिपोर्ट कहुची कि एमएनएफ को 15-21 आसन मिल पारे कांग्रेस को 2-8 आसन मिल पारे एवं जेडपीएम को 12-18 आसन मिल पारे। ये होची मिजोराम को लेकिन जो प्रबल तथ्य आसुची एवं सी भोटर एबीपी सी भोटर जो सर्वे करी ये होची सर्वेर एबीपी सी भोटर ये सर्वेर पूर्वानुमान सामना को आसुची। सरला तेलंगाना निर्वाचन एका थर के 119 आसन पर भोटिंग शेष होईएम सिल हो 2290 प्रार्थी भाग्य एथर तेलंगाना रे किए गढ़ सरकार भारत राष्ट्र समिति मुख्य के चंद्रशेखर राव को हैट्रिक करने को सुजोग मिल ना सरकार विरोधी हावार फायदा उठाइब कांग्रेस बीजेपी एवं असदुद्दीन ओवैसी एआईएमएम को क्यों पोजिशन रखे तेलंगानावासी। तेलंगाना निर्वाचन सहित शेष हो 5 राज्यर निर्वाचन बर्तमान एग्जिट पोल को नहीं आकलन चली रविवार सबकि स्पष्ट कर देव एग्जिट पोल।
सरिला तेलंगाना निर्वाचन गोटे पर्यायर शेष हो राज्यर समस्त 119 विधानसभा आसन पर भोटिंग नेतांक ठारु आरंभ करि अभिनेता और साधारण जनता समस्ते निज निजर सांविधानिक अधिकार सब्यस्त करिछंति। टॉलीवुड स्टार सेमानंक निज निज परिवार सदस्यक सह आसी भोट देइछंति। बीजेपी पूर्वतन साउथ फिगर तथा वर्तमान हरियाणा राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय भोट देइछंति। कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन मध्य निज मताधिकार सब्यस्त करिछंति। राजनीति में आए जब से हर बार मैंने वोटिंग किया हूं। 1983 से जो मैं वोटिंग बराबर करते रहा, वो एमएलए इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन है, सारे इसमें मैंने भाग लिया हूं। और आज गवर्नर होते हुए भी मैं चंडीगढ़ से हैदराबाद मेरा रामनगर आकर मेरा वोट जो है आज मैं डाला हूं। ये जो है प्रजातंत्र की मजबूती के लिए तरह वोट तो डालना जरूरी होता, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो वोट डालना जरूरी होता है। अगर वोट अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको उसका आपका कोई हक भी नहीं बनता कि आप तो सो हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सही जगह पे वोट डालेंगे तो सही रिजल्ट आएंगे। भारत राष्ट्र समिति नेता तथा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का झील तथा सांसद के कविता एवं तेलंगाना सरकार मंत्री तथा केसीआर पुओ तथा दलर सभापति केटी रमाराव मध्य भोट देछंती। भारत राष्ट्र समितिर डीएनए सह तेलंगानावासी डीएनए मेल खाउथवा कहि निज दलर विजय संभावना को जोरदार करिछंती के कविता। First of all, we understand our people better and our DNA matches with our people and whatever people feel on the ground, because our ears are always on the ground, unlike the so-called national parties which have now anyway become a larger size regional parties. They are not as strong as before, but yet they claim to understand our people, which they do not, and they have a universal kind of a approach to every state, not knowing and understanding the sentiments or the culture of any given state. So in Telangana it's the same case. Congress and BJP do not understand Telangana as we understand Telangana, and we've fought for the state, we worked for the state, so we believe people will resonate better with BRS. I've done my duty as a citizen of Telangana. I voted for betterment, I voted for my state, I voted for people who will take the state forward in a progressive manner. Telangana ra nirvachan re Congress prachar ra sarathi sajithile PCC sabhapati Revant Reddy. Ethar rajya re Congress sarkar nischit gadhibo boli drudhatara sahase koichanti. मैं कोई बोलने का जरूरी नहीं है, आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने भी लगातार हम समस्याओं के ऊपर हम रणनीति तय किए, हर समस्या पर CWC और हैदराबाद में जो बड़ा मीटिंग हुआ था कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में, तो आप देखा है जनता की क्या राय है। तो इसीलिए इसे टेक्निकल प्रोसेस 30th नवम्बर इज पोलिंग डेट,